बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज मैं आपकी खिदमत में चने और अंडे की रेसिपी लेके आई हूँ, जो कि मॉर्निंग में बहुत शौक से खाए जाते हैं, पूरी के साथ और हलवे के साथ। तो चले आए, सबसे पहले हम इसके इंग्रेडिएंट्स की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिए हैं सबसे पहले 3 मीडियम साइज़ के अनियन, उनको मैंने काट लिया हुआ है। और यहाँ पे मैंने लिए हैं अबाउट 300 ग्राम चने, और इनको मैंने नमक और मीठा सोडा डाल के बॉईल कर लिया। और यहाँ पे मैंने लिए है जिंजर गार्लिक और ग्रीन चिली, इसे मैंने 2 ऐड की थी, तो इसका पेस्ट मैंने लिया है 1 टेबल स्पून। यहाँ पर मैंने लिया है योगर्ट अबाउट 3 टेबल स्पून। यहाँ पे मैंने लिए हैं स्पाइसेस, जिसमें कार्डमम और ये है सिनमन स्टिक, और यहाँ पे है 1 टीस्पून ज़ीरा, और ये जो है कोरिएंडर, ये मैंने गार्निश के लिए यूज़ करना है, ये मैंने काट लिया हुआ है। अब जो स्पाइसेस हैं, इसमें मैंने लिया नमक, इसमें मैंने लिया ऑल पर्पज सीजनिंग, गरम मसाला, हल्दी, टर्मेरिक पाउडर, रेड चिली पाउडर, सुरख मिर्च पाउडर, काली मिर्च, ब्लैक पेपर पाउडर और कोरिएंडर पाउडर। यहाँ पे मैंने लिए हैं 4 बॉयल एग्स, जो कि मैंने ऑलरेडी छील लिए हुए हैं। और यहाँ पे लिए हैं ऑयल। तो चलिए आए, सबसे पहले हम पैन की तरफ चलते हैं। इसमें मैं डाल दूंगी ऑयल, और जो ही ऑयल गर्म होगा, इसमें मैं जो प्याज है मेरे, उनको मैं ब्राउन कर लेती हूँ, क्योंकि मैंने इसका पेस्ट रेडी करना। तो सबसे पहले सिर्फ प्याज ब्राउन करना। अब मैं इसको डाल देती हूँ इसमें, और इनको ब्राउन कर लेते हैं। ये देखें, प्याज मेरे नाइसली ब्राउन हो चुके हैं। अब मैं इसको निकालती हूँ, और ठंडा होने पे मैं इसको ब्लेंडर में पेस्ट रेडी कर लेती हूँ। ये देखिए, मेरे प्याज ब्राउन हो चुके हैं, तो अब मैं इसको ब्लेंडर में डाल के पेस्ट बना लेती हूँ। इसको योगर्ट ऐड कर रही हूँ। अब इसका पेस्ट रेडी करते हैं, और यहाँ पे उसी ऑयल में अब मैं जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाल रही हूँ, और इसको थोड़ा सा हल्का ब्राउन होने तक कुक करना। अब ये देखें, मेरा अनियन का पेस्ट रेडी है। तो यहाँ पे मैं जिंजर गार्लिक जो है वो भी ब्राउन हो चुका है। अब ये पेस्ट को मैं उसमें ऐड कर देती हूँ। और इसको थोड़ी देर भून लूँगी, इसमें स्पाइसेस ऐड कर दूँगी। यहाँ पेस्ट डालने के बाद मैं इसमें स्पाइसेस ऐड कर रही हूँ। और इसमें मैंने जो होल स्पाइसेस लिए हैं, इलायची, सिनमन स्टिक और ज़ीरा, ये भी इसमें डाल दूँ। अब इसको मैं थोड़ी देर में ही भूनती हूँ, फिर मैं इसमें चने ऐड करती हूँ। और इसमें मैंने ये क्यूब भी डाल दिया, जो चिकन क्यूब है, इससे ज़रा चिकन फ्लेवर आ जाएगा। इसके भूनने के बाद मैं इसमें चने ऐड कर दूँ। मसाला बिल्कुल रेडी है, ऑयल अलहदा हो चुका है, तो अब इसमें चने ऐड कर लेते हैं, ये ऑलरेडी बॉयल है। अब इसको थोड़ी देर क्यूब करेंगे, ये ऑलरेडी कुक। ये देखें, मेरे चने बिल्कुल गल चुके हैं, और इसमें अभी शोरबा इतना सा है,
ये आपकी मर्जी है, आपने ड्राई वाले बनाने हैं। अब मैं इसमें एग्स ऐड कर लेती हूँ, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बॉईल किए हुए हैं। तो इसको सिर्फ हल्की आंच पे, दम वाली आंच पे मैं छोड़ दूँगी 5 मिनट के लिए, ताकि इसमें जो मसाले सही तरह चले जाए। इसको मैंने थोड़ा थोड़े से कट लगा ली हूँ, और इसके बाद इसको दम पे रखने के बाद 5 मिनट के बाद इसको सर्व कर। ये देखें व्यूवर्स, मेरा चने का और अंडे का सालन रेडी है। तो इसको मैंने पूरियों के साथ और हलवे के साथ और सैलेड के साथ सर्व किया, क्योंकि ये मैंने ब्रेकफास्ट के लिए रेडी किए थे। तो आप भी प्लीज़ इसको ट्राई कीजिएगा, आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी। मैं इंशाल्लाह मिलती हूँ आपको एक नई रेसिपी के साथ, तब तक मुझे इजाज़त दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।